दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे ads.txt को ऐड करना या कॉन्फ़िगर करना। तो उसके लिए तो सबसे पहले तो मैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ, जिस वेबसाइट पे मुझे ऐड करना है। ये एडसेंस का ही मैं ads.txt ऐड कर रहा हूँ। अगर किसी और भी एड सर्विंग कंपनी या किसी का भी ऐड करना चाहोगे तो आप इस मेथड से कर लोगे, मैं एडसेंस का ही करूंगा इससे। तो हम सबसे पहले आ जाएंगे, इसके बाद अब प्लगइन में। यहाँ पे आने के बाद हमें ऐड न्यू पे जाना है, ऐड न्यू प्लगइन्स पे। यहाँ पे आके हमें सर्च करना है ads.txt, इसे हम सर्च करेंगे। ये मैंने सर्च किया, यहाँ पे ये जो आपको ये प्लगइन दिखेगा ads.txt मैनेजर, ये आप देख सकते हो। इस प्लगइन को हमें इंस्टॉल करना है सिंपल सा, आप देख सकते हो प्लगइन इंस्टॉल हो रहा था। अब इस प्लगइन को हमें एक्टिवेट करना है। ये प्लगइन हमारा एक्टिवेट हो गया ads.txt का। अब इसके बाद मैंने अपना जो ads.txt है मेरा गूगल एडसेंस का, मैंने यहाँ पे कॉपी किया नोटपैड में। इसे मैं कॉपी करूंगा सिंपल सा यहाँ से, और फिर यहाँ पे हम आएंगे नीचे अपने, मैं डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ उसको हटा के। यहाँ पे हम आएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ads.txt का, इस प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिवेट करने के बाद हमें यहाँ पे आना ads.txt पे, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, आप देख सकते हो ये एक इंटरफेस दिखेगा आपको। हमें यहाँ पे अपना कोड पेस्ट करना है और इसे सेव चेंजेस कर देना है सिंपल सा। ये इतना सिंपल और आसान सा प्रोसेस है इस प्लगइन से, और ये बहुत अच्छा प्लगइन है। इससे आपका वेबसाइट में कुछ भी स्पीड स्लो नहीं होगा आपके वेबसाइट का, आपका वेबसाइट एकदम एज यूजुअल में ही मेंटेन रहेगा एज इट इज। ऐसे करके हमारा ads.txt फाइल आप देख सकते हो हमने कन्फिगर कर दिया। अब हमारा एडसेंस में भी अर्निंग नहीं डाउन होगा ads.txt, क्योंकि कन्फिगर्ड है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।